गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.1 पैरामीटर एंड एरिया ये करेंगे। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ थ्री साइड्स। ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं, उनकी साइड्स को सम कर दिया जाता है तो पैरामीटर आ जाता है ट्राइंगल का। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, इसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। इसका फार्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। पहले लेंथ और ब्रेथ को प्लस करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर की 4 साइड इक्वल होती हैं, तो इसका फार्मूला होता है 4 × साइड्स। देखो ये फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू की लेंथ कितनी, एक ट्राइंगल में पी क्यू की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर है, क्यू आर की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर है, एंड आर पी की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अब इसका पैरामीटर निकालना है ट्राइंगल का, पी क्यू आर का, सम ऑफ थ्री साइड्स, इसकी थ्री साइड्स को प्लस कर देंगे हम। 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ये 56 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। ये ट्राइंगल का पैरामीटर हो जाएगा। अब रेक्टेंगल के लिए देखो, ये सेकंड का सेकंड पार्ट है इसमें। ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है बीसी, कितनी दी हुई है 30 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी हुई है ए बी है जो 24 मीटर दी हुई है। पैरामीटर निकालना है, पहले ही मैंने लिखवाया हुआ है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमने यहाँ लिख दिया है। हमने यहाँ पे 2 × लेंथ कितनी थी इसकी 30 मीटर, और ब्रेथ 24 मीटर, इसको प्लस कर दिया है इनको। 30 + 24 कितना हो गया 54 मीटर, 2 × 54 मीटर, पैरामीटर कितना आ गया इसका रेक्टेंगल का, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 मीटर। अब देखो ये सेकंड का फोर्थ पार्ट, साइड्स ऑफ द स्क्वेयर ए बी सी डी, एक स्क्वेयर दिया हुआ है ए बी सी डी, उसकी साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसकी 4 साइड्स होती हैं और सारी इक्वल होती हैं, इसलिए पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर 4 × साइड, 4 × साइड दी हुई है, कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, या 20 लिख देंगे, 4 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो स्क्वेयर, पैरामीटर ऑफ द स्क्वेयर कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। थैंक यू।